नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज चोपड़ा, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप सभी लोगों का तहे दिल से हमारे चैनल द फूड क्लब में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी यानी द फूड क्लब की स्पेशल मेथी प्याज वाले मक्की के परोठों की रेसिपी। मक्की के परोठों के साथ में घर का मक्खन और धनिये लहसुन की चटनी, वाह क्या बात है। और क्या चाहिए, ना चाहिए इसके साथ दाल, ना चाहिए सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये परोठे। चलिए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। एक परात में लेते हैं 2 कप मक्की का आटा, 1.5 कप ताजी कटी हुई मेथी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच क्रश की हुई अजवाइन, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्वाद अनुसार नमक। पहले सूखा ही मिलाएंगे। फिर उसमें धीरे धीरे गर्म पानी डालेंगे और उसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। पानी अच्छा गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम लोग मिलाते जाएंगे। हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हाथों की सहायता से इसका एक डो तैयार कर लीजिए। अब इसे 20 से 25 मिनट तक ढककर सेट होने के लिए रख दीजिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, आटा पूरी तरह से सेट हो गया है। अब गैस करते हैं ऑन, रखते हैं तवा। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेके एक मीडियम साइज का पेड़ा बनाते हैं। इस रोटी को बेलने के लिए एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक मोटी सी पन्नी लेते हैं और उसको चकले के ऊपर बिछा देंगे और उसके ऊपर हम लोग पेड़ा रखेंगे जो हम लोगों को बेलना है, और वो जो पन्नी का दूसरा भाग है उसको पेड़े के ऊपर हम लोग वापस डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको बेलन के साथ में 2 या 3 बार बेलेंगे और छोटे साइज की मक्की की रोटी आपकी तैयार हो जाएगी। तवा जब अच्छा गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उस पर रोटी डाल देंगे। इसी प्रोसेस से बाकी की रोटी भी हम लोग बेलेंगे। इस रोटी का साइज थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं और थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि ये रोटी मोटी ही बनाई जाती है। खाने में इसका एक अलग स्वाद आता है और एक साथ हम लोग 3 से 4 रोटी तवे पे डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड से सिकने के बाद इसको पलट देंगे। इसी तरह एक रोटी और बेलकर तवे में डाल देते हैं। एक एक करके परोठी को पलट लेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके उसे अच्छे से सेकेंगे। दोनों तरफ से 2 मिनट तक इसको सेकेंगे। घी या ऑयल जो भी पसंद हो वो इसमें लगा सकते हैं और इसको ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प कर लेते हैं। और लास्ट में लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा देसी घी।
लो जी हो गए मेथी वाले मक्की के परौठे तैयार। इसको घर के निकले मक्खन और धनिये लहसुन की चटनी के साथ में बहुत ही इंजॉय कीजिए, बहुत मजा आता है। कभी भी आप इसको घर पे बना सकते हैं, कभी मेहमान आ जाएं तो बहुत ही इजी रेसिपी हमने आपको बताई है। एक तवे पे 3 से 4 परोठे छोटे छोटे बढ़िया से टेस्टी बना सकते हैं और एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारे ये मेथी वाले मक्के की परोठे कैसे लगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।